मसाला पनीर बनाना इतना आसान है कि इसे कोई भी बना सकता है। इसे बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और ज़्यादा तामझाम भी नहीं करना पड़ता है। तो चलिए आज बनाते हैं मसाला पनीर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की नई रेसिपी। सबसे पहले बड़े से पतीले में हम दूध डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे लो फैट वाला दूध यूज़ कर रही हूँ। आप अगर मलाई पनीर बनाना चाहते हैं तो फुल फैट वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है, जिसमें से 250 ग्राम जितना पनीर आराम से बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर दूध को पतीले में खाली कर दिया है। आप अगर ज़्यादा पनीर बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूध को हम गैस के ऊपर रख देंगे और गैस ऑन कर देंगे, और दूध जैसे ही गर्म हो जाए हम इसके अंदर कुछ मसाले डाल देंगे। चिली फ्लेक्स, ऑरेगानो, काला नमक और काली मिर्च का पाउडर, ये सभी मसाले हम इसमें डाल देंगे। आप अगर मसाला पनीर नहीं बनाना चाहते हैं तो ये मसाले ना डालें। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून जितना बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिला लेंगे। वैसे फ्रेंड्स, पनीर बनाना बहुत ही आसान है, इसे कोई भी इजीली बना सकता है। दूध अच्छे से बॉईल हो गया है तो अब हम इसके अंदर विनेगर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून विनेगर और 2 टेबलस्पून ही पानी लिया है और उसे मिक्स कर दिया है, और इसे थोड़ा थोड़ा करके हम दूध के अंदर डालते जाएंगे और उसे मिक्स करते जाएंगे। तो गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर दे और इसे मिक्स करते जाए। तो आप देख सकते हैं दूध हल्का हल्का फटना शुरू हो गया है। तो अब हम इसके अंदर बचा हुआ विनेगर भी डाल देंगे और इसे लगातार चम्मच की हेल्प से चलाते जाएंगे। जब तक कि दूध का दूध और पनीर अलग नहीं हो जाता, तब तक हम इसे मिक्स करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं पनीर अलग हो गया है और पानी अलग हो गया है। आप देख सकते हैं पानी एकदम क्लियर नज़र आ रहा है। तो बस इसी स्टेज पर गैस को हम बंद कर देंगे और इसे हम छान लेंगे। तो छानने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा पतीला लिया है और उसके ऊपर हम ऐसा कॉटन का कपड़ा या फिर आप रुमाल भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम तपेली के ऊपर रुमाल को रख देंगे और उसके अंदर जो छेना है उसे डाल देंगे ताकि पानी अलग हो जाए और छेना अलग हो जाए। तो मैंने इसमें सारा ही छेना डाल दिया है। अब हम रुमाल को इस तरह से पकड़ लेंगे और उसे अच्छे से दबाते हुए इसका सारा एक्सेस पानी निकाल देंगे। तो जब सारा पानी निकल जाए हम रुमाल को हटा लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से छेद वाला ढक्कन रख देंगे, या फिर आप कोई बड़ी छलनी भी ले सकते हैं। उसके ऊपर हम पनीर को रख देंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हम साफ पानी से पनीर को अच्छे से वॉश कर लेंगे, जिससे इसके अंदर जो विनेगर का फ्लेवर है वो निकल जाए। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे दूध फाड़ने के लिए विनेगर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो नींबू का रस या फिर दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे भी हम दबा के अच्छे से इसका पानी निकाल देंगे, अच्छे से निचोड़ देंगे। तो अब इसका सारा पानी निकल गया है, तो हम क्या करेंगे, एक बर्तन के ऊपर छलनी रख देंगे और उसके ऊपर इस पनीर को रख देंगे हम, और इसके ऊपर कोई भारी भरकम चीज़ या कोई भी वजन रख देंगे, जिससे इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा और पनीर अच्छे से सेट हो जाएगा। तो करीबन आधे घंटे के लिए हमने इसके ऊपर ये रखा था वजन, अब हम चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही मज़ेदार हमारा पनीर तैयार हो गया है। ये अच्छे से सेट हो गया है और उसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल गया है। आप चाहे तो इस पनीर को एक कंटेनर में भरकर थोड़ा सा पानी डाल के इसे फ्रिज में 15 से 20 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं, और जब चाहे तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जी बनाने में या फिर चाट बनाने में या पराठे बनाने में, कुछ भी आप इससे बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही फ्रेश पनीर बनकर तैयार हुआ है। तो जब घर पर इतनी आसानी से पनीर बन जाता है तो पनीर मार्केट से क्यों लेके आना। आप भी इसे ज़रूर बनाइए घर पर और इंजॉय करिए फ्रेश पनीर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।